Hello everyone, welcome back to my channel. My channel name is Indian Real Life Real Home और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ. So फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY जो फूल है उसकी वीडियो में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही आसानी से बनते हैं, कम खर्च लगता है और जल्दी से बन जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं गौरी गणपति के डेकोरेशन में. तो वही फूल मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये फूल किस तरह से बनाते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए. तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, उसमें एक कटोरी मैंने मैदा डाल दिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और मोयन डाल देंगे हम इसमें रूम टेम्परेचर का ही मोयन मैंने इसमें डाला है. 2 चम्मच मैंने इसमें मोयन डाला है और ये खाने का फूड कलर है, ये आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे ये फूड कलर डाला है. हम येलो रंग के ये फूल बनाने वाले हैं तो येलो रंग मैंने यहाँ पर यूज़ किया है. उसके बाद हम कलर और नमक, ऑयल और मैदा अच्छे से एक सा कर लेंगे. उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त ऐसा आटा गूँथ लेंगे. हमें इसका थोड़ा सा सख्त ही ऐसा आटा गूँथना है. उसके बाद हम आटा थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख देंगे. और ये देखिए, इस तरह से हमें ये येलो कलर का आटा मिला है. अब हम ये आटा जो है एक चकला और बेलन लेंगे, इसके ऊपर हम एक छोटी सी रोटी बेल लेंगे कुछ इस तरह से. और उसके बाद हम इसे कटर की हेल्प से कट कर लेंगे. इसे हमें एक रेक्टेंगल शेप में कट करना है. ये देखिए कुछ इस तरह से रेक्टेंगल शेप में इसे कट करने के बाद हमें ये जो रेक्टेंगल है इसे इसके ऊपर के जो दोनों छोर है इसे इस तरह से बीचों बीच लाना है. उसी तरह से जो नीचे के दोनों छोर है उन्हें भी इस तरह से बीचों बीच लाना है और बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसे उसके ऊपर रख देना है. उसके बाद हमें ये जो हमने रेक्टेंगल बना लिया है उसे उल्टा कर देना है और इसके बीचों बीच में हम इस तरह से ये जो गुजिया है इसे रख देंगे, जिससे कि हमारा फूल जो है अच्छा सा फूला फूला और बहुत ही बढ़िया देखेगा. इस तरह से गुजिया डालकर हम फिर से इसके जो चारों कोने जो है उन्हें इस तरह से पकड़ लेंगे. एक एक करके इसके चारों कोने हम इस तरह से अच्छी तरह से पैक कर लेंगे, जिससे कि हम जब इन्हें डीप फ्राई करेंगे तो इनमें ऑयल नहीं जाएगा और ये फूटेगे नहीं. तो इसीलिए हमें इसे अच्छे से बंद करना है. ये देखिए, जिस तरह से मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से हमें ये इस तरह से चिपका लेने हैं इसकी ये पिछली साइड. अब हम क्या करेंगे, ये जो फूल है हम हाथ में इस तरह से उठा लेंगे और उसे पलट देंगे और उसके जो हमने पहले शुरुआत में ही जो रेक्टेंगल करते ही जो दबा दिए थे उसकी कलियां, वो जो पत्ते दबा दिए थे उन्हें इस तरह से खोल लेंगे. तो इसीलिए हमें वो बिल्कुल हल्के हाथों से चिपका देने हैं पिछली साइड से और इसे इस तरह से निकाल लेना है इसकी ये कलियां. और ये देखिए, इस तरह से हमारा ये फूल बनके रेडी हो गया. इसी तरह से मैंने यहाँ पे 5 से 6 ये फूल बना लिए हैं. जैसे कि मैं आपके साथ 2 डिज़ाइन के फूल शेयर कर रही हूँ, अब हम दूसरी डिज़ाइन का जो फूल है वो बना लेंगे. एक डिज़ाइन हमने बना लिए, उसी तरह से हम दूसरी बना लेंगे. जिस तरह से हम पहले वाली डिज़ाइन हमने बना ली थी उसी तरह से हमें ये गोल का बेल जो रोटी है वो बेल लेनी है. उसके बाद इसका रेक्टेंगल शेप में इसे कट कर लेना है. उसके बाद हमें इसे जो इसके चारों कोने हैं उन्हें इस तरह से कोनों के ऊपर ही इस तरह से कट कर देना है कटर की हेल्प से. चारों कोनों पे हमें इस तरह से कट लगा देना है और उसके बाद हम इसके ज़्यादा डीप हमें ये कट नहीं देना है, बिल्कुल थोड़ा ही अंदर तक ये कट देना है. उसके बाद हम इसे इसके बीचों बीच जो है थोड़ा सा दूध लगा देंगे और ये जो हमने कट लगा दिया था इसका एक कोना हम उठाकर इस तरह से बीचों बीच जो है चिपका देंगे, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ. इसी तरह से हम इसके चारों कोने जो है इस तरह से उठाकर बीचों बीच चिपका देंगे. और ये देखिए कितना बढ़िया और ब्यूटीफुल हमारा ये दूसरा फूल भी बनकर रेडी हो गया है. इसी तरह से मैं ये भी 5 से 6 फूल बना लूँगी. अब मैंने एक साइड यहाँ पे ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है. ऑयल हमें पहले तो फुल फ्लेम पे गरम कर लेना है, उसके बाद गैस की फ्लेम जो है वो लो कर देनी है और उसके बाद हमें ये लो फ्लेम पे ये फूल अच्छे से डीप फ्राई कर लेने हैं. तो ये देखिए, मैंने फूल बना लिए, ऑयल भी गर्म हो गया है. अब हम जिस करछी से ये फूल
सेकने वाले हैं, उस करची को इस तरह से ऑयल में डिप कर लेंगे और उस करची पे ये फूल इस तरह से रख देंगे और इसे धीरे से हम इस तरह से ऑयल में रख देंगे। ये स्टेप हमें क्यों करनी है, जिससे कि हम जब ये फूल इस पर रखेंगे तो ये करची पे चिपकेगा नहीं और बहुत ही आसानी से ऑयल में निकल आएगा। और ये देखिए, इसके ऊपर से हमें इस तरह से ऑयल डालते हुए ये फूल इस तरह से हमें डीप फ्राई कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों ही फूल इस तरह से डीप फ्राई कर लेने हैं। और ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर ऐसे हमारे दो जो मैंने आपके दो तरह के फूल आपको सिखाए हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए, वाओ कितने बढ़िया ये लग रहे हैं देखिए। तो आप भी इस तरह से ये फूल बनाइए आपने गौरी गणपति के डेकोरेशन में, और मुझे अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले।